इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें। बाराबंकी में बहुत बड़ा हादसा, स्कूली बस पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत। बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने गए थे सभी बच्चे। विकासखंड सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय हरका के थे सभी बच्चे। लखनऊ चिड़ियाघर से वापस आते समय हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। देवा थाना क्षेत्र के सलारपुर में हादसा हुआ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूली बस पलटने से भीषण सड़क हादसा, 6 बच्चों के हादसे में जान चली गई है और वहीं करीब 25 बच्चे घायल है जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाराबंकी में बहुत बड़ा सड़क हादसा और ओवर स्पीडिंग बताई जा रही है वजह। स्कूली बस पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। तो बता दें, पिकनिक मनाने गए थे सभी बच्चे और लखनऊ चिड़ियाघर से वापस लौटते वक्त भीषण सड़क हादसा। स्थानीय ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और तमाम घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि भीषण हादसे में करीब 6 बच्चों की जान चली गई है और हादसे में करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों को अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए और वहीं स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में भी जुटे हुए हैं। पिकनिक मनाने गए थे सभी बच्चे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे ने 6 बच्चों की जान ले ली। बड़ी खबर बाराबंकी से, भीषण सड़क हादसा, स्कूली बच्चों की वैन पलटने से हादसा हुआ है। करीब 6 बच्चों की जान चली गई है और वहीं 25 बच्चे घायल हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बाराबंकी हादसे की दिखा रहे हैं, जहां करीब 6 बच्चों की जान चली गई है। भीषण हादसा जहाँ स्कूली बस पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। और बता दें कि लखनऊ चिड़ियाघर से वापस लौट रहे थे सभी बच्चे, इस दौरान यह हादसा हुआ। स्कूली बस पलटने से करीब 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भोलानाथ बाराबंकी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भोलानाथ, हादसे को लेकर सबसे पहले क्या जानकारी? बिल्कुल, बता दें, बाराबंकी में दुखद भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बस पलट गई है। प्राइवेट बस थी जो स्कूल के बच्चों को लेकर पिकनिक स्पॉट गई थी, वहां अचानक बस तेजी के कारण नियंत्रण खो बैठा और बस अचानक पलट गई। हम मौके पर मौजूद हैं, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पर मौजूद है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा है, जहाँ पे अभी सभी बच्चे लाए गए हैं। अभी 4 बच्चों की डेथ हो गई है, हालांकि अभी अधिकारी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पर जितने बच्चे जिला अस्पताल में रेफर कर दिए गए, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ये सभी वार्डो है जहां पे बच्चों को रखा गया है, सभी का इलाज चल रहा है। सभी बच्चे यहाँ पे मौके पर, जिला अधिकारी बाराबंकी खुद मौके पर आए हैं, अपर जिला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जिनके साथ जिले का जो बड़े अधिकारी है वो भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। सभी बच्चों के इलाज को लेकर लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाएगी। बिल्कुल भोलानाथ, क्योंकि देखिए भीषण सड़क हादसा और ऐसे में किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, कौन है वो जिम्मेदार व्यक्ति? भोलानाथ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। भोलानाथ, किसकी जिम्मेदारी है इस हादसे को लेकर, किसकी वजह से यह हादसा हुआ है, क्या जानकारी निकल कर सामने आ पाई है? देखिए, अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, हालांकि ये बात जरूर स्पष्ट सामने आई है कि जिस प्रकार से तेजी और लापरवाही पूर्वक बस चलाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं चालक की बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार से स्कूल के बच्चे थे, चालक को धीमी गति में वाहन को चलाना चाहिए था, कहीं ना कहीं तेजी से बस को चलाया जा रहा था, तो इस प्रकार से तेजी से चलाने के कारण यह भीषण हादसा हुआ है, जिसमें इतने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि अभी पुलिस मामले की जाँच करेगी, जाँच के बाद क्या कल के सामने आता है तो जांच का विषय है, लेकिन अभी भी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह जी भी मौके पर पहुंचे हैं, इसके साथ बड़े जो भी जिले के अधिकारी हैं, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। वह बच्चों के इलाज को लेकर लगातार डॉक्टरों की टीम को निर्देश दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की इलाज में कोई कोताही न बरती जाए बच्चों को लेकर,
जी बिल्कुल भोलानाथ, फिलहाल जो घायल बच्चे उनकी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि चालक की गलती की वजह से हादसा हुआ है, चालक को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बता दें, चालक जो है वो भी गंभीर स्थिति में है, चालक की भी हालत नाजुक बनी हुई है, वहीं एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि जो दूसरा व्यक्ति वो साइकिल से जा रहा था और उसी बस के चपेट में आ गया, जिसकी मौत हो गई। हालांकि अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं निकल के सामने आया है कि क्या वजह रही, किन वजहों की वजह से ये भीषण हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में अभी तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं एक व्यक्ति जो सड़क से गुजर रहा था उसकी भी मौत हुई है। अभी आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, हालांकि अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है बोलाना, तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी में बहुत बड़ा सड़क हादसा, और ऐसे में सड़क हादसे में बता दें कि करीब 6 बच्चों की मौत हुई है। हादसे में करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार बताई जा रही है हादसे की वजह। बता दें कि चालक तेजी से ये वाहन चला रहा था और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने गए थे ये सभी बच्चे और वापस लौटते वक्त भीषण सड़क हादसा हुआ है। विकासखंड सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय हरका के थे सभी बच्चे, और आपको बता दें लखनऊ चिड़ियाघर से वापस आते समय भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 6 बच्चों की जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि बाराबंकी में बड़ा हादसा, जहाँ करीब 6 बच्चों की मौत हुई है, स्कूली बस पलटने से यह हादसा हुआ।